नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व अपराधियों पर लगाम कसने के लिए आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी पहल की है। अब जिले में इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगी और हर तरफ से अपराध पर नजर रखने के साथ ही त्वरित कार्रवाई भी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि लोग पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी खड़ा नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, एसपी ने अलग से महिला QRT का गठन भी किया है। अयोध्या विवाद के फैसले को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। आजमगढ़ जिले को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। ADG से लेकर IG तक की इस जिले पर नजर है। अराजक अपने मंसूबे में कामयाब न हो और अपराध को पूरी तरह काबू किया जा सके, इसलिए यह कवायद शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अपराध को नियंत्रण करने के लिए महिला QRT का गठन किया गया है। आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई विवाद होता है तब अराजक तत्व महिलाओं को आगे कर माहौल को खराब करते हैं। अब QRT ऐसे मामलों में आसानी से रोक सकेगी, साथ ही इनके पास साक्ष्य भी होगा, इसकी कार्रवाई में मदद मिलेगी। वहीं पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, जनपद की महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जब खराब हो जाती है, वैसी परिस्थितियों में तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमने ये दंगा निरोधी टीम तैयार की है, जिसमें हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं कि इंस्पेक्टर है, उनके साथ लेडी कांस्टेबल लगी हुई हैं, उनके साथ एंटी रायट इक्विपमेंट्स में बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, टीयर गैस स्क्वाड, ये सारी सुविधाएं उनकी गाड़ी उससे सुसज्जित है। जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति आएगी या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ा होगा, तो इसके लिए भी टीम के पास हमारी लेडी कांस्टेबल हैं, जिसको बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया है। कुछ यूनिफॉर्म में लड़कियां हैं, उनको बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया है, जो बाकायदे आने जाने वालों पर निगाह रखेगी, उनकी गतिविधियाँ रिकॉर्ड होंगी और उसकी एनालिसिस करने के बाद एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर ये हमारी QRT टीम जो है ये तुरंत जाकर रिएक्ट करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा भी कुछ रूटीन ड्यूटी लगाई गई, जैसे चौराहे पे चेकिंग करना या स्कूलों के बाहर? ये हम लोगों ने निर्देश दिया है कि ये जो हमारी QRT है, ये जब भी इस तरह की कोई अगर सूचना मिलती है कहीं से भी कि यहाँ सोहदे लड़कियों को परेशान कर रहा है, तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर तत्काल वहाँ जाएगी और विधि कार्रवाई करेगी।